और एसोसिएट वीकली न्यूज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, पिछले हफ्ते की जो न्यूजेस हैं वो इतनी काफी नहीं थी कि उस पर एक वीडियो बनाया जाए। इस हफ्ते काफी कुछ एसोसिएट न्यूजेस अपडेटेड आई हैं नई काफी सारी टीम्स से, तो हम आपके सामने लेकर हाजिर है इस बार का एसोसिएट वीकली न्यूज अपडेट। चाहे बात करें यूएसए की, नेपाल की, ओमान की, नामीबिया की, हर कंट्री से कुछ ना कुछ न्यूजेस हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ नॉर्मल हैं और कुछ छोटी न्यूज है, लेकिन ओवरऑल काफी सारी न्यूज इस वक्त एसोसिएट क्रिकेट से रिलेटेड आती नजर आ रही है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले बात कर लेंगे यूएसए क्रिकेट के बारे में, ताकि उनसे रिलेटेड एक न्यूज इस हफ्ते क्या आई है। बिल्कुल, यूएसए क्रिकेट की बात करें तो वहां पे यूएसए नेशनल टीम को, जो मेंस की नेशनल टीम है, उनको नया स्पॉन्सर अब मिल गया है। जी हाँ, सिस्टर मॉडगेज जो फाउंडेशन है, बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है ये यूएसए में, वो अब यूएसए की टीम को, जो कि बहुत बड़ी बात है, अब स्पॉन्सर करती हुई नजर आएगी। उसका जी हाँ फोटोशूट भी हो चुका है बिल्कुल, और वो हमारे जो कप्तान है यूएसए के नितिन वल्कर, वो भी इसको फोटोशूट कर चुके हैं। और एक और अच्छी खबर ये है यूएसए से कि वुमेन्स, जी हाँ वुमेन्स के लिए भी ये सिस्टर मॉड, ये जो फाउंडेशन है, ये काम करें, ये यूएसए की तरफ से खबर है, जो कि बहुत अच्छी खबर है उनके लिए। जी हाँ, अगर अगर हम बात करें नामीबियन टीम की, जी हाँ नामीबियन टीम की अगर बात करें तो उनकी प्रिपरेशन फुल ऑन है। जी हाँ, वो इस बार T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, तो 8 हफ्ते का उनका पूरा ये प्रोसीजर है। पहले ट्रेनिंग होनी है, उसके बाद उन्हें ओमान के लिए रवाना भी होना है। कहीं ना कहीं पहले ट्रेनिंग, उसके बाद रवाना, बीच में अगर यहाँ पे कुछ मैचेस हो जाते तो कहीं मेरे ख्याल से बेटर होता। थोड़ी सी स्माइल यहाँ निकली है, ज्यादा जल्दी हो जा रहा है, उसके बाद मैचेस जैसा आपने कहा होना चाहिए। जी हाँ, एक कम से कम सीरीज अगर यहाँ पे खेलते हो, किसी से भी हो, या फिर लोकल में ही हो, क्योंकि इतनी बड़ी एडवांटेज है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं, तो सिर्फ ट्रेनिंग से काम बन जाए ऐसे तो होता नहीं है। कुछ मैचेस ऐसे ही इंटरनेशनल की जो टीम्स है उससे लगातार मैचेस नहीं खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश में मशक्कत कर रही है, न्यूजीलैंड आने वाली है, एक सीरीज शायद होनी चाहिए। चलिए अभी इनकी न्यूज है, जो न्यूज है हमने आपके सामने रख दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जी हाँ यहाँ पे आप बात करते हैं तीसरी टीम के बारे में, आइए जानते हैं कि उनकी क्या कुछ न्यूज है, उसके बाद नेपाल की बात करें। बिल्कुल, पीएनजी पपुआ न्यू गिनी की अगर हम बात करें, भाई इनकी तैयारी तो जोरों से चल रही है, जबरदस्त है। कहीं तैयारियां नहीं है तो कहीं ऐसी तैयारियां हैं कि जहाँ भयंकर, इसका मतलब अहमियत समझ रहे हैं। बिल्कुल सही, आप मैं बात कर रहा हूँ इज़ुज़ू T20 बैच। जी हाँ, वो अलग था, वनडे कप अलग था, वहाँ पे उनके काफी प्रैक्टिस हुई है, बहुत अच्छी। बिल्कुल सही कहा आपने, और अब इज़ुज़ू T20 बैच 3 अगस्त से ये शुरू हो चुका है, और इसमें नेशनल प्लेयर भी है, ये नहीं कि लोकल प्लेयर्स खेल रहे, पूरे नेशनल प्लेयर्स हैं। और इसी के साथ साथ सीधा तौर पे ये कह दिया गया था बोर्ड की तरफ से कि ये प्रिपरेशन T20 वर्ल्ड कप के लिए है। बिल्कुल सी जात है, ये बहुत बड़ी खबर है पीएनजी से। जो हाँ, और जैसे कि हमने आपको पहले भी अपडेट किया था कि पीएनजी जो ओमान जाने वाली थी वो सीरीज अब लगभग ना के बराबर है, और उसके बदले वो 5 मैचों की ट्रांजिशन सीरीज कराने के फेर में है T20 की, जिसमें आयरलैंड, यूएई ये सब टीमें इंक्लूड हो सकती है, नामीबिया भी हो सकती है, देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं अर्ली स्टेज पे, देखना होगा क्या होता है। अब बात करते हैं नेपाल टीम की। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट टीम से काफी बड़ी खबर थी, पारसगढ़ का इस हफ्ते उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया, वो तो हमने लगातार अपडेट किया है। उसके अलावा जी हाँ, ओडीआई के लिए जो है क्लोज कैंप के लिए स्क्वाड अनाउंस हो गई थी, जो ओमान और यूएसए में जो स्ट्रेंथ सीरीज होनी है नेपाल की, उसके बारे में आपको बता दें। प्लेयर्स 19-20 टीम प्लेयर्स का ये पूरा लिस्ट था, लेकिन जैसे के पास रिटायर हो चुके, तो अब ये लिस्ट 19 जनों की है। ज्ञानेंद्र मल्ला, आसिफ शेख, कुशल मल्ला, सोमपाल कामी, अविनाश बोरा, शरद वेस्टवेकर, दीपेंद्र सिंह एरी, गुलशन झा, जी हाँ ये न्यू नेम एड ऑन है, गुलशन झा, विनोद भंडारी, संदीप लामिचाने, साहब आलम, विक्रम शोक, कुशल गुर्तेल, आरिफ शेख, करण केसी, कमल सिंह एरी, सुशांत भारी और पवन श्राफ और रोहित कुमार पौडेल, ये 19 प्लेयर है। 20 प्लेयर पारस खड़का भी थे, लेकिन वो अब इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ये 19 प्लेयर घोषित किए गए हैं, जो कि ओमान जाएंगे ट्रांजिशन सीरीज खेलने के लिए। कहीं ना कहीं देखना होगा, ये न्यूज काफी पहले आ गई थी, हम वीकली न्यूज में अपडेट करेंगे, क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि प्लीज यार इस बार कम से कम ये ट्रांजिशन सीरीज कैंसिल ना हो, यही सोच के हमने इस न्यूज को भी होल्ड पे रखा था, एक बार कंफर्म हो जाए। डेट की जहां तक बात करें, एक न्यूज ये निकल के आ रही है कि 11 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू हो सकता है ओमान, यूएसए और नेपाल का। चलिए अगले टीम की तरफ बढ़ते। बिल्कुल, ये खबर है यूएई की तरफ से, अमीरात बोर्ड की तरफ से, कि बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है, तैयार है प्रीमियर लीग T20 प्रीमियर लीग, ये जो अमीरात बोर्ड कराने वाला है खुद का, यूएई के खुद का लीग, जनवरी 2021 से शुरू होगा। जी हाँ, अभी पूरी डेट नहीं है, लेकिन मंथ आ गया है कि जनवरी 2021 से होगा। और बड़ी जो खबर है वो ये है कि जो इसमें प्लेयर का जो प्राइस होगा, जो प्लेयर जो खरीदे जाएंगे, वो
बीबीएल बिग बैश कैरिबियन प्रीमियर लीग या पीएसएल से ज्यादा कीमतों में खरीदे जा रहे हैं, यानी कुल मिला के आईपीएल के बाद सबसे महंगी बिड में प्लेयर्स की यहाँ पे खरीद फरोख्त होने वाली है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, क्लियर बोर्ड ने कहा है कि ये आईपीएल के बाद वन द बिगेस्ट सैलरी सिस्टम वाली पेड वाली लीग होगी जहाँ प्लेयर्स को पैसे दिए जाएंगे, यानी पैसे की खूब बौछार होने वाली है। जबरदस्त कमर्शियल फ्रेंचाइजीज और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें एड ऑन होने वाले हैं। इसमें कोई दराय नहीं है, फाइनेंशियली तो इन्हें दिक्कत हुई नहीं है, दिक्कत सारी जी हाँ उनको दिक्कत सारी है टैलेंटेड प्लेयर्स निकालने की जो कहीं भी नजर नहीं आता है। खैर ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पे T20 लीग शुरू होने वाली है January 2022। और कुछ न्यूज़ स्कॉटलैंड की तरफ से ऐसी नहीं है, फर्स्ट क्लास से वहाँ की वुमेन्स की टीम। जी हाँ, स्कॉटलैंड की जो वुमेन्स की टीम है कुछ प्लेयर्स तो अभी 100 में है, लेकिन जो पूरी टीम ज्यादातर जो टीम्स की वुमेन है वो खेल रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही है। वहाँ पे वनडे कप चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है एक्चुअली में। दो टीमों की भी सीरीज चल रही है, चार चार मैचेस हो चुके हैं और चार चार की बराबरी पर है और फाइनल मैच होना है अपकमिंग संडे में। देखिए क्या होता है, 9 मैचेस हो गए हैं इनकी, बहुत लंबा चल रहा था, लेकिन वनडे मैचेस है, चार चार की बराबरी पे है, नवा मैच आने वाला है संडे। जी हाँ, एक और एशियन टीम का ट्राई नेशन सीरीज आज हो रही है। जी हाँ, जर्मनी नॉर्वे और फ्रांस, जी हाँ, ये तीन टीमें हैं जो आज भिड़ने वाली हैं। आज दोपहर 2:30 बजे पहला मैच होना है नॉर्वे वर्सेस जर्मनी में, उसके बाद 7 बजे नॉर्वे वर्सेस फ्रांस होना है, जो हमने ऑलरेडी कम्युनिटी ऐप में अपडेट कर दिया है। आप लगातार हमारे कम्युनिटी ऐप को चेक करते रहिएगा, इनकी पोस्ट मैच एनालिसिस आप हमारे चैनल डेली क्रिकेट पे बिल्कुल देख सकते हैं, वहां से आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैचेस के बारे में। लेकिन ये T20I मैचेस हैं, कोई T20 मैचेस नहीं, इसके इंटरनेशनल इसके रिकॉर्ड्स जुड़ेंगे, रिकॉर्ड बने तो रैंकिंग में इफेक्ट करते हैं, सब कुछ होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच है। देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करती है नॉर्वे और जर्मनी, क्योंकि नॉर्वे का पिछला परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं काफी खराब है, जर्मनी काफी अच्छी टीम है अगर हम कहें। चलिए देखने हैं क्या कुछ होने वाला है। ये सारी एशियन क्रिकेट से रिलेटेड इस हफ्ते की अपडेट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। मलेशियन क्रिकेट की बात करें, मेरे ख्याल से वो सेमिनार से निकलना ही नहीं चाहते, उनके वहां लगातार सेमिनार ही हो रहे हैं, क्रिकेट बहुत कम हो रहा है, जबकि क्रिकेट से कोई न्यूज बहुत कम आ रही है, लगातार सेमिनार हो रहे हैं, कभी अंपायर आ रहे हैं, कभी फील्डिंग कोच, कभी कोचेस, कभी वुमेन्स की कोई प्लेयर आ रही है, लेकिन खैर जो भी है सेमिनार्स वहां पे लगातार चालू है। देखना होगा वहां से कोई न्यूज आती है वो भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, कंप्लीट एशियन क्रिकेट अपडेट के लिए और एनालिसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, आगे भी आपके साथ ऐसे ही बना रहे। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही।